और आज जो मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं वो शायद तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में वो काम हो रहा है इस देश के अंदर जो संभवतः तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा, वो काम हो रहा है। जाहिर सी बात है, अधिकारी तो एक मोहरा है, उसको जो ऊपर से उनके आका आदेश देते हैं तो वो काम वो करते हैं। अब मैं मुलाकात के संबंध में बताता हूं, जेल मैनुअल ये कहता है, जेल का नियम ये कहता है, जेल का नियम 602 और 605 ये कहता है कि किसी की भी मुलाकात फेस टू फेस कराई जा सकती है और यह अधिकार जेल प्रशासन को होता है, इसका बाकायदा नियम है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसकी कॉपी भी दे दे रहा हूं, 602-605 के तहत जेल प्रशासन मुलाकात करा सकता है। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी, आप सब जानते हैं, उनका परिवार चिंतित है, परेशान है, मां बाप दोनों बीमार हैं, हालचाल जानने के लिए, बताने के लिए जब केजरीवाल जी की पत्नी मुलाकात के लिए अप्लाई करती हैं तो उनको कहा जाता है आप फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते, आप कहीं किसी कमरे में बैठ के मीटिंग नहीं कर सकती, बल्कि आपको जंगले से जो मुलाकात होती है, एक बीच में शीशा होगा और जंगले से एक तरफ केजरीवाल जी मिलेंगे और एक तरफ उनकी पत्नी सुनीता जी और जो साथ में गए थे साथी वो। उस दिन शायद विभव की मुलाकात थी। तो मेरा ये कहना है, इतना अमानवीय व्यवहार इसी तिहाड़ जेल के अंदर एक नहीं, आप इनके इतिहास उठा के देखिएगा और आरटीआई में जवाब अगर मांग लीजिएगा, पूछिएगा इनसे, सैकड़ों मुलाकातें फेस टू फेस बिठा के कराई गई हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुलाकात उनकी पत्नी से एक अमानवीय तरीके से अपमानित करने के उद्देश्य से, उनके मनोबल को तोड़ने के उद्देश्य से कहा गया कि जंगले में आपकी मुलाकात होगी। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से, खूंखार अपराधियों की भी मुलाकात बैरक में होती है। मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, इसका खुलासा आप सवाल पूछिएगा तो मैं समय आने पे इसका भी खुलासा करूंगा।